ओर अवसल खर वणम राजों के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु और राबा सल्लख रवण मेरे वैसे लिखी रिवण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी और राबा सल्लख रवण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु और राजों के राजा और अवश्य लिखी रिवि नमर अब सलख रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग जो रात के भय से डरते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रात के भय इनके शरीरों को छोड़कर जाना पाए, इनकी सोच को छोड़कर जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज ये हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं से बहुत से नाम वाले को देख रहा हूँ जिनका नाम एम से आता है, एल नाम वाले, और बहुत से ऐसे लोग जो रात को भय से डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो ये रात के भय से डरते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता ये हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह अमहान है, आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। और अब सल्लख रबण राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, दयालु मेरे पिता, इनका बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अमहान है, अमहान है, अमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आप सांपों को रौंदने वाले हैं मेरे पिता। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम बिच्छुओं को रौंदने वाले हैं मेरे पिता। आपने हमें अधिकार दिया है शैतान की सारी चालों पर मेरे पिता, हम शैतान को रौंदने वाले हैं मेरे पिता। जो शैतान हमारे मन में बुरे बुरे सपने लेके आता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज ये लोग आजाद होने पाए मेरे पिता। हर एक भारीपन दूर होने पाए मेरे पिता, हर एक बुरे सपनों से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अमहान है आप, सर्वशक्तिमान है आप, दयालु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अब सल्लख रबण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के अभिषेक के द्वारा मेरे पिता, जो रात के भय से डरते हैं मेरे पिता, इनके पति यानी कि पत्नी इनके परिवार के लोग जो रात के भय से डरते हैं मेरे पिता, जिन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये बुरे सपनों से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन्हें बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं, व्हाइट सांप दिखाई देते हैं, और कुछ ब्राउन सांप दिखाई देते हैं, ब्लैक सांप दिखाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता हर एक बुरे सपने से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से अगर किसके घर में कोई आ गया था, उसके बाद उसकी उसको लगता कि मेरे घर में ये आया था, उसके बाद मेरे घर के अंदर शैतान का साया आया है, और जिसकी वजह से मुझे रात को डर लगता है, प्रभु के नाम से रात का भय दूर होने पाए मेरे पिता, रात के भय से आजाद होने पाए मेरे पिता, शैतानी भय से आजाद होने पाए मेरे पिता। आपने हमें अधिकार दिया है कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम रौंदने वाले शैतानों का मेरे पिता, और आपके नाम से रौंदते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है आप, राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने दिया हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, महान है मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा न तो धूप से न रात से तुम्हारी कुछ हानि होगी मेरे पिता, आप हमारी रक्षा करते हैं मेरे पिता, और रात के भय से हमारी कुछ भी हानि ना होने पाए मेरे पिता। हम जो रात को डरते हैं, ये भय हमारे शरीरों से निकलने पाए, हमारी सोचों से निकलने पाए मेरे पिता। हम जो रात रात भर सो नहीं पाते डर की वजह से, ये डर दूर होने पाए। जो किसी ने अगर कीकरा के बंधन है, अगर टोनों के द्वारा, अगर कीकरा बंधनों के द्वारा, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो रात को रोना शुरू कर देते हैं, 12 बजे रोना शुरू कर देते हैं, उनका फिक्स टाइम है कुछ दिन के बाद वो 12 बजे रोना शुरू कर देते हैं, या रात को उनकी अपनी आप ही आंखों में से आंसू शुरू हो जाते हैं, जो उन्होंने धीरे धीरे रोते रहना, उनका भी ऊंचा रोना, का भी धीरे रोना, ऐसे जो उनको शैतान ने उनके ऊपर हमला कर रखा है, शैतान ने उनको ऊपर काबू कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें बुरे सपने आते हैं, और बंधन से आप आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानी बंधन तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, पी नाम वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपको जो भी रात को बुरे सपने आते हैं आप लोग आजाद हो रहे हैं, जो लोग रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बुरे सपनों से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अमहान है, अमहान है, अमहान है, अमहान है, अमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद 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 देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रब सल्लख रबण मेरे पिता, आपके घर से बंधन टूट रहे हैं,
जो लोग रात के भैंस डरते हैं, अपने शरीरों पर, अपने सिर पर हाथ रखें, या अपनी छाती पर हाथ रख लिया, अपने पेट पर हाथ रखें, या सिर पर हाथ रखें, कहीं भी अपने हाथ को रखें, प्रभु यीशु मसीह आज छुटकारा देने वाले हैं। देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जी आ महान है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु आ महान है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु ओ रबा सल्लख राजा प्रभुंग प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बुरे सपने से आजाद होने पाए मेरे पिता, हर एक बुरे सपने आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक मैं बहन देख रहा हूँ जिसका नाम संदीप है, संदीप कौर है ऐसा, और प्रभु यीशु मसीह आपको बुरे सपनों से आज़ाद कर रहे हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी राजकमल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बुरे सपनों से आज़ाद हो रहे हैं। दया करने वाले परमेश्वर मनीषा प्रभु यीशु मसीह आपको बुरे सपनों से आज़ाद कर रहे हैं। रात के भैंस आप लोग आज़ाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूत कांपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां कांपती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग खुलता है, उसी नाम से आज मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। राजाओं का राजा हर एक बुरे सपने ऐसे आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद आज़ाद आज़ाद, और ये लोग आज़ाद हो नहीं पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी अपने देवल हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य होने पाए, ये रात के भय से आज़ाद होने पाए, रात के डर से आज़ाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, ये रात के भय से आज़ाद होने पाए, इनके बच्चे आज़ाद होने पाए, इनके पति आज़ाद होने पाए, इनके मम्मी पापा आज़ाद होने पाए, इनकी पत्नियाँ आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बुरी आत्माएं आपके को छोड़ के जारी है, रात के भय से आप लोग आजाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप आजाद हो रहे हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो को रात के भय से डर जाते हैं, कांपते हैं, रात को कंपकंपी शुरू हो जाती है, पसीना शुरू हो जाता है, या सिर दुखना शुरू हो जाता है, या पेट में दर्द शुरू हो जाता है डर के कारण, या अब ये टाइम होने वाला है मुझे डर लग रहा है, या बुरे बुरे सपने आपको आते हैं, ये बुरा सपना आ गया, आपको लगता है कि वो सपना चल रहा है लेकिन वो हकीकत होती है। जब आप सुबह उठते हो आप देखते हो ये तो हकीकत हो चुकी थी, इसको तो मैं सपने में देख रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको आज़ाद कर रहे हैं। देखने वाले परमेश्वर इन्हें आज़ाद करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ लोग किसी के लिए रिसीव कर रहे हैं कि प्रभु के नाम से उनका जो बुरे सपने हैं तो वो लोग आज़ाद होने पे, और निश्चय प्रभु हर एक बंधन से आपको आज़ाद कर रहे हैं, हर एक बुरे सपनों से आप आज़ाद हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु आ महान है, 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 आ महान है प्रभु यीशु मसीह, आ महान हो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आ महान हो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आ महान हो मेरे पिता। ओ रबा सल्लख रवाना महाराजों का राजा प्रभु का प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इनके बीच में बीच में बीच में बीच में बीच में अद्भुत 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 कार्य होने पाए मेरे पिता, रात के भय से आजाद होने पाए मेरे पिता। आपने हमें एक रोशनी दी, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम नाम से अंधकार दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुरे सपने से ये लोग आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रात का भय से आजाद होने पाए, बुरे सपनों से आजाद होने पाए, बुरे सपने से ये लोग आजाद होने पाए। जो लोग रिसीव कर रहे हो कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुरे सपनों से आजाद हो रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुरे सपनों से आजाद हो रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुरे सपनों से आजाद हो रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि जैसे कि कोई टोना कर रहा होता है, जैसे कोई गुड़िया में सुई डाल रहा होता है और उसके पेट में सुई है, ऐसे किस तरह डोल होती है या कपड़े गुड़िया बनाई हुई है, क्योंकि बाल काट रहे हैं या लाल कपड़ा दिखाई देना, ये बहुत सी ऐसी बातें जो आपके साथ होती हैं। कहीं को ताश के पत्ते दिखाई देते हैं उड़ते हुए, और कहीं को जोकर दिखाई देता है, मतलब कि ताश के अंदर ही उन्हें जोकर का ऐसे दिखाई देता है, और कुछ अलग तरीके से जैसे कि वो एक आत्मा हो, और क्योंकि ये सब शैतान ही करता है। और प्रभु के नाम से आप लोग आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर मेरे पिता, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, ये रात के भय से आजाद होने पाए। अगर किसी भी तरह से कीकरा के बंधन के द्वारा इनके परिवारों के ऊपर इन्हें बुरे सपने आते हैं तो ये लोग आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग आज़ाद हो रहे हैं। आप कहें हाँ मैं आज़ाद हो रहा हूँ, आज के बाद मुझे अच्छी नींद आएगी, आज के बाद मैं बुरे सपने से आज़ाद हो चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग आजाद हो रहे हो, प्रभु के नाम से आप लोग आजाद हो रहे हो। दया करने वाले परमेश्वर
अमान हैं, इन्हें आज़ाद करें, इन्हें आज़ाद करें और इन्हें आज़ाद करें। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुरे सपनों से, रात के डर से, रात के भय से आज़ाद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। वचन कहता है कि कभी भी परमेश्वर के उपकारों को ना भूले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के उपकारों को भूल जाते हैं। अब रात के भय से वो लोग आज़ाद हो गए हैं। आप अपनी गवाही को जरूर भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि चंगाई छुटकारा पाने के बाद प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि छुटकारा पाने के बाद अपने परमेश्वर के दास के उपकारों को भूल जाते हैं। वचन कह रहा है कि कभी भी परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। लेकिन जिस तरह अलीशा के पास वो विधवा आई थी कि मेरा कर्जा दूर होने पाए, लेकिन जब उसने तेल को ऊंढेला और बहुत सा तेल इकट्ठा हो गया और वो दौड़ी दौड़ी वापिस परमेश्वर के जन के पास की कि अब मैं क्या करूं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, पहले उनकी हालत ऐसी होती है कि दुष्ट आत्मा से वो लोग ग्रस्त होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती थी और उसकी वजह से पूरा परिवार ही परेशान रहता था। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि उपकारों को भूल जाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया था, प्रभु ने उनके बीच में इतना बड़ा चमत्कार किया, तो वो उपकारों को भूल जाते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी परमेश्वर, परमेश्वर के दासों उपकारों को ना भूलें, कभी भी ना उपकारों को भूलें। क्योंकि आप देखिए, आप इंसान हो, अगर आप किसी के ऊपर कोई भी एहसान करते हो तो हम उसको उम्र भर सुनाते रहते हैं, तेरी मैंने उस समय मदद की थी, तेरी मैंने उस समय मदद की थी, तेरी मैंने उस समय मदद की थी, सारी उम्र चलता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, अपनी जान को देकर हमें जीवन दिया है, हमारे पापों को मिटाया है, इसलिए कभी भी उसके उपकारों को न भूलना। हालेलुया। और जो आपको गाइड करते हैं, जो परमेश्वर ने उन दासों को चुना हुआ है, उनके भी उपकारों को भी ना भूलना। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल भी कह रही है, आप पढ़ सकते हो कि वो विधवा दौड़ी दौड़ी वापिस अलीशा के पास, अब बताओ मैं क्या करूं। वो पहले अलीशा को दे रही है, वो पहले परमेश्वर के जन को दे रही है और उसके उपकारों को नहीं भूलना। नहीं तो वो क्या करती हैं, उस तेल को बेचती और वापिस चर्च जाती ना, वापिस प्रभु के दास के पास जाती ना, लेकिन वो वापिस दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि उसको पता था कि ये उपकार अलीशा ने किया है, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, इन बात पे जरूर गौर करें, प्रभु आपको ब्लेस करें और आप रात के भय से आज़ाद हो गए हो, बुरे सपने से आप आज़ाद हो गए हो। प्रभु के नाम से हर एक बंधन टूट रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग बुरे सपनों से आजाद हो चुके हो। प्रभु के नाम से आप कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बुरे सपनों से आजाद हो गया हूँ, मैं बुरे सपने से आजाद हो गया हूँ, मैं बुरे सपनों से आजाद हो गया हूँ। और निश्चय प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है और आपने आशीष को पा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता उनके बीच में अद्भुत कार्य करें, मेरे पिता ये आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ रहा है, प्रभु इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। और जरूरी बात, हमारी मिनिस्ट्री की ओर से, बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री की ओर से 7 दिन की उपवास प्रार्थना रखी गई है, इस सोमवार से लेकर संडे तक। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अपने एरियों में, अपने अपने गांव में एक राउंड लगा रहे हैं। सुबह उठें, एक राउंड लगाएं, ताकि जो भी यरीहो की दीवारें हैं वो गिराए जाएं। यरीहो की दीवार मतलब जो भी यरीहो में क्या हो रहा था, आपको पता होगा, जब दीवार गिराई गई थी, मतलब संकट की दीवार गिराई जाएगी प्रभु के नाम से। और आप प्रार्थना करें प्रभु के नाम से कि जो लोग नशों में हैं, जो लोग जकड़े हुए हैं, जो लोग शैतान में फंसे हुए हैं, जिन्हें पता नहीं है और उन्हें एक सच्चा रास्ता दिखे, एक सच्चे मार्ग के बारे में जानने पाए, और जो लोग नाश हो रहे हैं वो लोग बचाए जाएं। इसलिए आप लोग भी अपने अपने एरिया में उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके नीचे में बता सकते हैं कि हाँ मैं इस एरिया से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं भी 7 दिन की फास्टिंग रख रहा हूँ और मैं मेरे भी एरिया में एक राउंड लगाऊंगा। एक राउंड हमने लगाना है और अन्य भाषा में नहीं है, तो आप मन के अंदर प्रार्थना करते हुए एक राउंड लगा सकते हैं अपने अपने एरिया में। और प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और 7 दिन की उपवास प्रार्थना के बारे में मेरे चर्च के लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप अपने गाँव में अपने रिश्तेदारों को बताएं कि 7 दिन की उपवास प्रार्थना रखें और अपने अपने एरिया में एक राउंड लगाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रोजाना का एक राउंड, 7 दिन हम 7 राउंड लगाएंगे और प्रभु निश्चय हमें विजय देंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।